बिहार कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल गया है, महंत मोहन झा को नया अध्यक्ष बनाया है। हमारे साथ मदन मोहन झा, उनसे बात करेंगे। सर, कांग्रेस ने सवर्णों का कार्ड खेला है, आपको अध्यक्ष बनाया है। सभी जात और धर्म है, कम्बिनेशन होता है यहाँ बहुत। कितने दिन से यहाँ हमारे प्रभारी घूम रहे थे, रिपोर्ट ले रहे थे, और ये जो सवर्ण कर रहे हैं, मेरा योगदान नहीं पार्टी मांगते हैं। हम NSUA में काम किए, यूथ में किए, कांग्रेस में किए, इतना दिन से जनरेशन मेरा कांग्रेस ही रहा है। मेरे योगदान को या मेरे सेक्रीफाइस को पार्टी ने एक सम्मान दिया है, और मैं समझता हूँ जो मैं सारे लोग के राहुल जी के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है, और सारे लोग के प्रयास, सारे लोग का समर्थन लेके मैं उनके जो हमको जवाबदेही दिए हैं उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास। बिहार की राजनीति पिछड़ों की राजनीति करने के लिए जाना जाता है, और अब आपको बनाया गया है, तो क्या लगता है पार्टी को कैसे मजबूत करेंगे? यहाँ तो पिछड़ों की राजनीति होती है। ऐसा कोई बात नहीं है, बिहार में पिछड़ाही की राजनीति ऐसी बात नहीं है, सभी जात रुक जाइए भाई, यहाँ रहते हैं। और कांग्रेस पार्टी जो है कोई एक जात और धर्म का पार्टी नहीं है, इसमें सारे लोग, आप कहीं देखें पार्टी एक जात का पार्टी है, तो सभी जात धर्म के लोग को साथ लेकर चलने वाली बात है। इसलिए परिस्थिति होता है, कभी किसी को अध्यक्ष बनाया जाता है, और उसमें भी समिति बनता है, सबको सामान्य करने का प्रयास किया जाता है। तो हम समझते हैं जो 2019 का चुनाव है उसके नजर बहुत दिन से मेरा पद चल रहा था, ऐसे ही हम समझते हैं सारे लोग मिल के, और जात धर्म की बात कांग्रेस पार्टी नहीं करती, इसलिए सब आदमी को लेकर साथ हम लोग काम करेंगे। और 2019 में जो समुदाय के खिलाफ जो काम करना है उसमें काम चालू है। देखा गया कि कांग्रेस बिहार का संगठन है, कांग्रेस उसमें बदलाव नहीं हुआ, महिला मोर्चा हो चाहे युवा कांग्रेस हो, तो क्या अब अध्यक्ष बन गए हैं, तो क्या अब इन संगठनों को बदलाव होगा? बदलाव क्या बात है, जो आदमी अच्छा काम करेगा उसको बदलाव क्या है होगा? अभी तो यूथ कांग्रेस का चुनाव हुआ है तुरंत, उसमें तो चुनाव NSUA यूथ कांग्रेस में चुनाव पद्धत है, उसमें जो इलेक्टेड होते हैं वो होते हैं, महिला कांग्रेस में जो काम कर रही हैं बढ़िया, और जो है संगठन है जहाँ आवश्यकता होगी, ऐसा नहीं है जो काम नहीं, सारा संगठन हमको लगता है अच्छी तरीके से काम कर रही है। और ये नहीं होगा कि मैं अध्यक्ष हुआ तो अध्यक्ष होने भी देखा जाएगा, लेकिन मैं समझता हूँ जो अभी जो हाल ही में नॉमिनेशन हुआ है वो सभी लोग अपना जवाबदेही का निर्वहन कर रहे हैं, इसलिए अध्यक्ष बदलने से ये पार्टी है जो राहुल गांधी जी की पार्टी है, हमको बैठा दें, आपको बैठा दें, उनको बैठा दें, इसका मतलब नहीं है कि पूरा सेटअप चेंज हो जाएगा। सेटअप जो काम कर रहा है वो सेटअप हो जाएगा। एक ही और है कि आपको अध्यक्ष बनाने को लेकर हम पार्टी और RJD ने स्वागत किया, लेकिन देखा जा रहा है कि हम पार्टी लगातार एक प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रही है चुनावों को लेकर। उन्होंने डिमांड किया जितना मांझी ने कि हमें 20 सीटें चाहिए। हम नहीं देखे हैं स्वागत किए हैं, ये भी देखी नहीं है, आप ही कह रहे हैं, कौन किए हैं स्वागत किए हैं? हम प्रवक्ता लगातार कह रहे हैं कि आपको अध्यक्ष बनाने का आपने स्वागत किया है। हमको धन्यवाद देते हैं जो स्वागत किए हैं, और जहाँ तक आप जितना नाम मांझी जी के बारे में बोल रहे हैं वो सुलझे हुए व्यक्तित्व है, और आपने एक एस्पेक्ट उनका देखा है जो वो 20 सीट बोले हम लगाएंगे, लेकिन दूसरा एस्पेक्ट आप नहीं बोल रहे हैं जो उन्होंने कहे हैं साम्प्रदायिक लड़ने के लिए। अगर उनको एक भी सीट कहेगा नहीं लगी तो उस पर भी हम तैयार हैं, नहीं बोले हैं ना। तो जब हम लोग का पर्पस एक है जो साम्प्रदायिक ताकत को हराना है, तो हम समझते हैं जो हमारे नेता लालू प्रसाद जी हों या हमारे नेता जीतन जी मांझी जी हों या हमारे सबके नेता राहुल गांधी जी, एक दो सीट के इधर उधर होने से कहीं भी आपका जो महागठबंधन है उसमें टूट फूट की संभावना नहीं है। सभी लोग का पर्पस एक है जो उसको हराना है, इसलिए सीट उसमें बाधक नहीं है। जीत के लिए कांग्रेस पार्टी की बिहार में रणनीति होगी क्या? हरेक पार्टी सीट के लिए रणनीति करती है, हम लोग भी करेंगे, संगठन को मजबूती देंगे, और
जीत के लिए प्रयास करेंगे। हम ही नहीं करेंगे, सब पार्टी करती है, हम लोग कैसे नहीं करेंगे, हम लोग तो कर ही रहे हैं। नहीं, बीते 5 महीने से देखा जा रहा है कि कांग्रेस संगठन के तौर पे लगातार काम कर रही है, जिला में भी प्रदर्शन हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, मुद्दों को उठा रही है, लेकिन अब चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में रणनीति क्या होगी, किस तरीके से आप चुनाव में जाइएगा, सबकी सीटों पर चुनाव लड़िए? अगर नहीं, सीट तो अभी बता नहीं सकते हैं, पहले तो पूरा तरह से गठबंधन हो जाए, नेता बैठेंगे, हम लोग पहले देखेंगे कौन सीट पर हम लोग लड़ने लायक है। आपको तो एक ही बात बोले ना, गठबंधन में सीट फेरी कहीं भी बाधक नहीं होगी, सारे लोग का पर्पस जब एक होता है, हम लोग का मंजिल अगर एक होगा तो उसमें 19-20 इधर उधर से कोई अंतर नहीं पड़ता। ये थे हमारे साथ मदन मोहन झा, जिनका साउथ पार्ट है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में पूरे दमखम के साथ हम मैदान में उतरेंगे और नरेंद्र मोदी सरकार को हराएंगे।